द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इजिप्ट की जमीन पर एक ऐसा अजूबा बनाया गया जिसने आज तक लोगों को हैरान कर रखा है। और ये अजूबे कुछ और नहीं बल्कि इजिप्ट में बने हुए बड़े बड़े पिरामिड हैं। और इन पिरामिड्स में से जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है, जो 146.6 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इतने भारी बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था कि एक पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन बताया जाता है। वहीं इसके मुकाबले हमारी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो कि बुर्ज खलीफा है, उसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने बड़े बड़े पिरामिड्स को किस तरह से बनाया गया, क्योंकि उस वक्त में ना तो कोई क्रेन थी और ना कोई बुलडोजर और ना ही कोई और टेक्नोलॉजी जिसके जरिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा सके। इस सब के बावजूद भी इन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाकर तैयार कर दिया जो आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। कई सालों से इस पिरामिड पर रिसर्च करने वाली टीमों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन पिरामिड्स की चारों साइड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बिना कंपास के किस तरह से सेट की गई होंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन पिरामिड को बनाते वक्त सबसे पहले पोलर सितारों की मदद ली गई, यानी कि वो सितारे जिसे अर्थ के पोल का पता किया जाता है। इन सितारों के जरिए पिरामिड की हर साइड को इसके बाद पिरामिड बनाने के लिए यहाँ की जमीन को लेवल में लाया गया, क्योंकि अगर इन पिरामिड्स को बनाए जाने वाली जमीन जरा भी टेढ़ी मेढ़ी होती तो इन पिरामिड्स का बनना नामुमकिन हो जाता। लेकिन उस वक्त जमीन को भी लेवल में लाने के लिए इंजीनियर्स के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस जमीन को लेवल में लाने के लिए इन पिरामिड के चारों साइड में गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जिस जगह भी पानी के लेवल में डिफरेंस होगा उस जगह के गड्ढे को छेनी हथौड़े की मदद से गहरा कर लिया गया होगा। अब बारी थी यहाँ के कंस्ट्रक्शन का काम किए जाने की। पिरामिड को बनाने के लिए सबसे पहले पत्थरों को रेक्टेंगल शेप में काटा गया होगा। हम आपको बता दें कि उस वक्त ना तो कोई ग्राइंडर था और ना ही कोई जैक हैमर, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ छेनी की मदद से इन 50 टन वाले पत्थरों को काटा भी और स्क्वायर शेप भी दिया। इस छेनी को लकड़ी के हथौड़े से ठोंक कर पत्थरों को काटा जाता था। इसके अलावा दोस्तों, इन पत्थरों को यहाँ इजिप्ट में नहीं बल्कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में काटा जा रहा था। अब जरा सोच कर देखिए कि आखिर बिना किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 250 किलोमीटर दूर इन 50 टन वाले पत्थरों को किस तरह से इजिप्ट तक लाया गया होगा। और ऐसे 23 लाख पत्थरों को सिर्फ एक पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इस काम को कारीगरों और नावों की मदद से करवाया गया। टोरा और इजिप्ट के बीच मौजूद नदी के जरिए ये पत्थर एक एक करके यहाँ लाए गए, लेकिन ये काम किया जाना इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है, क्योंकि इतने भारी पत्थरों को शिप में लोड और अनलोड करने के लिए कम से कम 500 मजदूरों की जरूरत थी। एक्सपर्ट्स को उनके कई सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। वो जान चुके थे कि आखिर इन पिरामिड की डायरेक्शन को किस तरह से सेट किया गया, इसके अलावा इन पत्थरों को किस तरह से काटा गया होगा और यहाँ इजिप्ट तक किस तरह से पहुंचाया गया होगा। लेकिन एक और सवाल था जो कि अभी भी एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा था कि आखिर इतने भारी वजन वाले पत्थरों को एक के ऊपर एक इतनी ऊंचाई तक किस तरह से लगाया गया होगा, क्योंकि उस वक्त कोई क्रेन तो थी नहीं, तो जाहिर है कि इन पत्थरों को मजदूरों के जरिए ही ऊपर पहुंचाया गया होगा। पिरामिड का ये स्ट्रक्चर सिर्फ बाहर से ही हैरान कर देने वाला नहीं था बल्कि इनके अंदर भी कई सारे चैम्बर्स बने हुए थे और कई सारी छोटी छोटी सुरंगें भी मौजूद थी। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये भी थी कि अंदर के चैम्बर में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। और ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे हार्ड स्टोन माना जाता है, जिसे छेनी हथौड़े की मदद से बिल्कुल परफेक्ट शेप में काटना नामुमकिन है। अब इस रहस्य को जानने के लिए कई सारे रिसर्चर्स को यहाँ बुलाया गया, लेकिन किसी को ये एविडेंस नहीं मिल सका कि आखिर आज से 4000 साल पहले इजिप्ट वालों ने ग्रेनाइट जैसे पत्थर को बिल्कुल सही शेप में किस तरह से काटा होगा। कई साल गुजरने के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सुलझा लिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन लोगों ने ग्रेनाइट पत्थर को एक ऐसे आरे की मदद से काटा था जिसके ऊपर दांते नहीं बने हुए थे। पत्थर काटने के लिए इस आरे के दोनों साइड पर वजन लटकाया जाता था और फिर इसे ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर चलाया जाता था। इस पत्थर को घिसने के लिए बीच में बजरी डाली जाती थी, लेकिन इस तरह से भी इतने बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थर को काटने में
कम से कम 4 महीने का समय लगता था। दोस्तों, आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अभी भी रिसर्चर्स इन पिरामिड से जुड़े हुए कई सारे रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, और अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुलझाया नहीं गया है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि मिस्र के इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हकीकत में एलियन होते हैं, तो ये स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है इसको जरूर देखिएगा।